Find the value of x in the proportion 20 ratio 50 is proportional to 8 ratio x. ये जो proportional का question है इसमें x की value find out करनी है. Question क्या है, 20 ratio 50 is proportional to proportion को इन 4 dots से जाहिर किया जाता है और second ratio 8 ratio x. Students अगर आप इस question को गौर से देखें तो इसमें 2 ratios आ रही हैं. First ratio है 20 ratio 50 और सेकंड रेशियो आ रही है 8 रेशियो एक्स, यानी कि इस क्वेश्चन में टू रेशियोज को आपस में कंपेयर किया गया है. और प्रोपोर्शन का मतलब है सेम एज, यानी कि इसको हम इक्वल टू भी कह सकते हैं कि 20 रेशियो 50 जो रेशियो 20 की 50 से है वही रेशियो 8 की एक्स से है. और एक एक्स जो नंबर है वो अननोन है, यहाँ पर हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आ रहा है. तो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे. और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट को मैं सिंपल पी से जाहिर कर रहा हूँ, ऑफ और एक्सट्रीम्स को ई से. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. इस रेशियो के क्वेश्चन में जो 20 है ये फर्स्ट टर्म है, 50 सेकेंड टर्म, 8 जो है वो थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है कि फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट लिया जाए, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. और अगर सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, इनका प्रोडक्ट लिया जाए तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो जैसा कि ये हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट लिखा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्थ टर्म से जो कि एक्स है. इस तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है इसके इक्वल, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय 8. 20 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 20x इज इक्वल टू, और 50 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 400. जैसा कि हमसे यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, तो यहाँ पर आ गया 20x, यहाँ पर 20x है तो 20 को ख़त्म करने के लिए इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 20 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला 20 इस 20 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा बस x. तो हमें पता है हम इक्वालिटी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको इक्वालिटी की बोथ साइड्स पर हम किसी भी सेम नंबर से कोई भी सेम नंबर हम उसका इजाफा कर सकते हैं. तो हमने एक साइड पर 20 से डिवाइड किया तो दूसरी साइड पर भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये 400 डिवाइडेड बाय 20, तो इसको भी अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी ये रहेगा 40 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 टाइम 2 और 2 20 टाइम 40, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 20. इस तरह हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि 20 आ रही है. तो ये हमारा इसका आंसर आ गया. अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि इसको वेरीफाई करना, लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या हमारा ये जवाब आया है 20 ये दुरुस्त भी है कि नहीं. तो इसको वेरीफाई करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं. जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 रेशियो 50 प्रोपोर्शन का मतलब अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब है इक्वल टू, और 8 रेशियो एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की वो कि 20 आ रही है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 20. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम रेशियो की फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, 20 रेशियो 50 है, इसको जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे दिया जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू, इसी तरह 8 रेशियो 20 है, इसको जब फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20. अब अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो 20 और 50 दोनों को हमने नोमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो 20 और 50 दोनों को हम 10 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, ये रहेगा बाकी 2 ओवर 5. अब हम 2 और 5 को किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, अब हम 8 डिवाइडेड बाय 20 को सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो 8 को और 20 को हम सेम नंबर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 2 टाइम 8 और 4 5 टाइम 20, ये भी आ गया 2 ओवर 5. जो एक रेशियो है वो दूसरी जो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो रेशियो है वो उसके इक्वल है. तो इस तरह हमें पता चल गया कि एक्स की जो वैल्यू है वो है 20.